2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता उन्हें मनाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माने। इसके बाद उनकी मां सोनिया गांधी को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। मगर अब जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी एक बार फिर से पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार हो गए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बीच पार्टी के नए अध्यक्ष को चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। खबर है कि राहुल गांधी दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष की जिम्मेदारियां संभालने के लिए राजी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि बीते दिनों कांग्रेस के सीनियर नेताओं की नए अध्यक्ष पद को लेकर बैठक हुई थी, जिसमें कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और पदाधिकारी मौजूद थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सोनिया गांधी के घर हुई इस बैठक में तमाम नेताओं ने एक बार फिर से राहुल गांधी के नाम पर अपना समर्थन दे दिया है। इतना ही नहीं, खबर तो यहां तक है कि बाद में राहुल गांधी ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया कि अब पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी वो उसे लेने के लिए राजी है। सूत्रों की माने तो बैठक में मौजूद अशोक गहलोत, दिग्विजय सिंह और गौरव गोगोई समेत कुछ सांसदों ने राहुल गांधी से पार्टी की कमान फिर से संभालने का अनुरोध किया, जिसे राहुल गांधी स्वीकार करते नजर आए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 के नतीजों के तुरंत बाद राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफा देते हुए राहुल ने कहा था कि बतौर पार्टी अध्यक्ष 2019 चुनाव में मिली हार के लिए मैं जिम्मेदार हूं। हमारी पार्टी के भविष्य के लिए जवाबदेही जरूरी है, यही वजह है कि मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी को पुनर्संगठित करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके बाद राहुल गांधी ने यह भी कहा था कि पार्टी की कमान गांधी परिवार के बाहर के लोगों को मिले, लेकिन लगता है कि वो एक बार फिर से पार्टी की जिम्मेदारियों को उठाने के लिए तैयार है। रिपोर्ट।